भाई को भी कुछ कर लो, रास्ते में बैठे हो आराम से। उठो उठो, काम करो थोड़ा सा। चलो सब आगे उठो। कुछ नया देखो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज ब्लॉग की शुरुआत थोड़ी जल्दी करते हैं क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। तो मॉर्निंग वॉक के लिए हम पार्क आ चुके हैं। आज यहाँ से आपको ब्लॉग शुरू करने वाले हैं और आपको मिलवाएंगे। तो गाइस ये देखिए, ये वो समय है जब छोटे बच्चे कंचे खेलते हैं। ओ माय गॉड, क्या बचपन है ना, कोई फिक्र नहीं, कोई फाका नहीं। Hello. Very nice. So guys, park. Yeah. Good morning. Very good morning. क्या करें, सिटी में ना पार्क बहुत कम है, लेकिन जितने हैं वो अच्छे हैं। और अपने लिए आपको दिन में आधा घंटा बड़ा ज़रूरी है निकालना। आधा एक घंटा आप निकाल लें तो दिन की ही शुद्ध हवा ले पाएंगे। तो रेगुलर हम हो ना पाए चाहे कोई बात नहीं, लेकिन जब मौका लगे तब इस ताज़ी हवा का मज़ा ले लेना चाहिए। अभी ना आपको ऐसे मेंबर से मिलाते हैं यहाँ के परमानेंट हैं, और परमानेंट इतने हैं कि उन्होंने अपनी अपनी टीम बना रखी है। रात को पूरी रात वो लोग काम करते हैं और दिन में सो जाते हैं। अच्छा, आधे मेंबर्स इधर और आधे इधर, दिखाता हूँ आप लोगों को मेंबर्स। ये देखिए गाइस, ये थक हार के बेचारे टूट के पड़े हुए, जैसे इन्होंने रज के काम किया रात को। इनकी पूरी टीम है जो ये एरिया घेर के बैठी हुई है। एक वो सो रहा है और उसके आगे जाएंगे तो वो देखिए, वो दो और पीछे सो रहे हैं। पूरी टीम रात भर बेचारी वर्कआउट करती है, भौंकना, पीछे भागना लोगों के, और सुबह सो जाती है। स्कूटीज़ के रेट पूछते हैं, गाड़ियों के रेट पूछते हैं, आधे से ज़्यादा घबरा के बेचारे इधर उधर हो भी जाते हैं, लेकिन सुबह बिल्कुल आराम से सोते हैं। अच्छा, इनका एरिया ही बटा हुआ है, आधे उधर और आधे पार्क के उस तरफ जहाँ वो बच्चे कंचे खेल रहे थे। उधर वाले इधर नहीं आ सकते, इधर वाले उधर नहीं आ सकते। एक भी अगर आ जाए ना, इन लोगों का ऐसा कौरव पांडव का युद्ध हो जाता है। ओहो, बेचारे जितने पार्क में बैठे होते हैं ना, वो पार्क वाले घबरा जाते हैं कि भैया हो क्या गया, बाद में लगी टीम गलत आ गई। ओहो, ये सारी चीज़ें तो ये पार्क में मिल सकती हैं भैया, सिटी में तो नहीं मिलती हैं। लेकिन सिटी में जो पार्क है ना, वहाँ पर कहीं ना कहीं मज़ा आ जाता है। तो गाइस, टाइम हो चला है 8:30, हमारा भी टाइम हो गया, अब हम चलते हैं। पार्क आपको हमने दिखा दिया, कितना सुंदर बना हुआ है। अब इन ये तो सबसे अलग है। भाई को भी कुछ कर लो, रास्ते में बैठे हो आराम से। उठो उठो, काम करो थोड़ा सा। चलो सब आगे उठो। गाइस, पार्क हम हो चुके हैं, हमारा टाइमिंग हो चुका है, अब चलते हैं घर। फटाफट घर पहुंचते हैं क्योंकि वेजिटेबल्स भी लेनी है बीच में से, और उसके बाद बनाएंगे नाश्ता और फिर चलेंगे ऑफिस, क्योंकि आज दो वर्कआउट हमारे पास पड़े हैं जिनमें दो एम्पलीफायर हमारे को सर्विस करने हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को देखते रहिए, इस वीडियो को देखते रहिए, भी बहुत कुछ आना है बाकी है। लो जी, शॉप पर हम पहुँच गए, पूजा हमने कर ली, बाबा से मिल लिए, सेटअप पे आ चुके हैं अपने। और ऑफिस में कुछ एक काम एडिटिंग का है हमारा, वो करेंगे, साथ में हम नीचे सर्विसिंग भी करेंगे, क्योंकि ये मेरा ऊपर का ऑफिस है
और अब आपको लेके चलते हैं हम अपनी वर्कशॉप में। अगर हम यहाँ से नीचे जाते हैं, ऊपर जाने के लिए ये है रास्ता और नीचे जाने के लिए हमने ये तैयार किया है। पहुँच गए, स्पीकर सिस्टम और ये हमारे सारे सिस्टम्स लगे हुए हैं। अभी सिस्टम्स के अंदर हम सबकी सर्विस हमने करके रखी हुई है। इस सेंटर में आएंगे, अपने अपने सेटअप लेके जाएंगे। और ये है वो सिस्टम आहूजा का, और एक ये एम्पलीफायर आया हुआ है हमारे पास हरमन गार्डन का, जिसको हमको सर्विस करके देना है। और ये दोनों सेटअप हम सर्विस करेंगे और फिर इसको पैक करते हैं और तैयार करते हैं। 250 वाट का सेट है, 250 वाट का सेट था, ये अब कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आज हमने की है इसकी सर्विसिंग। इट्स कॉल्ड हरमन कार्डन, ये परफेक्ट हो गया। इसमें यूएसबी चल गई है जो पहले नहीं चल रही थी, अभी हमने तैयार कर दिया। देखिए अंदर से सर्विस कंप्लीट कर चुके हैं हम इसकी। अब इसको पैक करेंगे और आज का काम फिनिश कर दिया है। और इसके बाद लो जी, सर्विस हमारी हो गई, पहुंच गए घर। डिनर टाइम इज़ रेडी नाउ, सैंडविचेस तैयार हैं, कॉफ़ी तैयार हो रही है। तो इस ब्लॉग का करते हैं हम यहाँ पे एंड। अगले ब्लॉग में फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट डे नए इवेंट्स और नए मनोरंजन के साथ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।